छटनी के दौर के बीच नौकरी पेशा लोगों के लिए एक अच्छी खबर आई है। एचआर फर्म एओन के सर्वे के मुताबिक इस साल भारत में कंपनियां कर्मचारियों को 10.25% से अधिक की हाइक देने वाली हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि इस महंगाई के बीच 10.25% की हाइक कैसी कही जाएगी, इस साल किस सेक्टर में इंक्रीमेंट ज्यादा अच्छा होगा और किस में कम, ये भी जानेंगे कि नौकरियों के हिसाब से ये साल कैसा रहेगा। इस खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में मंदी की आशंका के बीच छटनी का दौर चल रहा है। भारत में भी कॉस्ट कटिंग के नाम पर कुछ कुछ छटनी हो रही है। इस कठिन दौर में भी भारत में नौकरी पेशा लोगों के लिए एक अच्छी खबर आई है। एचआर फर्म एओन ने कहा है कि इस साल भारतीय कर्मचारियों की सैलरी में एवरेज 10.25% से थोड़ी अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के बावजूद भारत में सैलरी में डबल डिजिट की इस ग्रोथ को अच्छा कहा जा सकता है। एओन ने अपने सर्वे में 40 सेक्टर्स से जुड़ी करीब 1400 कंपनियों को शामिल किया है। इसमें से 46% कंपनियां इस साल डबल डिजिट में सैलरी बढ़ाने की तैयारी में है। हालांकि उम्मीदों वाली ये हाइक पिछले साल के औसतन 10.5% की सैलरी हाइक से भले ही थोड़ा कम है, लेकिन ग्लोबल लेवल पर जो इकोनॉमिक अस्थिरता है उसे देखते हुए 10.25% से अधिक की सैलरी हाइक साफ तौर पर भारत की मजबूत इकोनॉमी की ओर इशारा करती है। किन किन सेक्टर्स में हैंडसम सैलरी हाइक होगी, इसे लेकर सर्वे में कहा गया है कि 12.5% से ज्यादा सर्वाधिक बढ़ोतरी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में होने की उम्मीद है। वहीं सर्विस सेक्टर्स से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए भी 11.5% के करीब सैलरी हाइक की उम्मीद जताई गई है। टेक प्लेटफॉर्म कंपनियां 11%, टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग एंड सर्विसेज पौने 11%, फाइनेंस सेक्टर में 10% के आसपास सैलरी हाइक की उम्मीद जताई गई है, जबकि सर्वे में लाइफ साइंस और रिटेल से जुड़ी कंपनियों की सैलरी हाइक डबल डिजिट से थोड़ा कम यानी 10.25% के करीब रहने की उम्मीद है। वहीं हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट और सीमेंट इंडस्ट्री में सैलरी हाइक बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। सर्वे के मुताबिक इस साल ब्राजील में 7.2%, इंडोनेशिया में 6.7%, चीन में 6.3%, फिलीपींस में 5.9%, मलेशिया में 5.2% और सिंगापुर में 4.8% की सैलरी हाइक की उम्मीद है। ऐसे में भारत में डबल डिजिट में यानी 10.3% की सैलरी हाइक को बेहद अच्छा माना जा रहा है। भारत को लेकर एओन के इस रिपोर्ट में इसलिए दम है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही कॉर्न फेरी भी अपनी सर्वे में भारत में इस साल 9.8% की सैलरी हाइक की उम्मीद जता चुका है। वहीं मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म आर्थर डी लिटिल के सर्वे में कहा गया है कि करीब 62% भारतीय सीईओज ग्लोबल ग्रोथ पर बुलिश हैं, तो 60% सीईओज ने केपेक्स जारी रखने की बात कही है, यानी इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ की रफ्तार रुकने वाली नहीं है बल्कि आगे इसमें और तेजी देखने को मिल सकती है। यही वजह है कि देश में टैलेंट की जरूरत होगी और इसके लिए कंपनियां हैंडसम सैलरी देने के लिए भी तैयार रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।